आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं मिलता है, आपके मार्क्स कम है, तो आप रूम्स जहां पर लेंगे, आपको मैं बताऊंगा ऐसे तीन जगह उनके प्राइजेस क्या है आपको बताऊंगा। देखिए जो तीनों जगह हैं ये काफ़ी नज़दीक हैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के, पहला कटरा, दूसरा छोटा बघाड़ा और उसके बाद आता है अल्लाहपुर। तो इन तीनों जगहों पे क्या है रूम्स का प्राइस, और साथ ही अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता तो आप कैसे करेंगे अपने मेस का, क्या आप हॉस्टल में खा सकते हैं, बात करेंगे उसके बारे में, और साथ ही क्या आपके लिए टिफिन सर्विस अवेलेबल है इलाहाबाद में। इन सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए, बात करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में। देखिए मैं इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, पर अगर ये वीडियो है काफ़ी शॉर्ट रहेगी और आपकी हेल्प इससे हो जाएगी। देखिए अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के सबसे नज़दीक जो कटरा है, कटरा में आपको 3.5 के से 4,000 यानी कि लगभग 3,500 से 4,000 में आपको सिंगल रूम मिल जाएगा जिसमें दो लोग रह सकते हैं और बाकी लैट्रिन बाथरूम कॉमन रहेगी। सो यानी कि लगभग 4K तक, 4,000 तक आपको ऐसा रूम मिल जाएगा जहाँ पर आप दो पार्टनर रह सकते हैं रूम शेयर करके, तो एक का प्राइस पड़ जाएगा 2,000। और अगर आप वहाँ पर सिंगल ढूंढेंगे तो तब भी आपको नियर अबाउट प्राइस जो है वो लगभग इसी के सेम मिलेगा। सो कटरा जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा महंगा है बाकी सारी जगहों से, पर ये यूनिवर्सिटी के सबसे नज़दीक है और यहाँ रहने के और फैसिलिटीज हैं, लाइक आपको बुक्स वगैरह और कॉपीज वगैरह इजिली अवेलेबल हैं जस्ट नियर बाई में। पर वहीं अगर हम बात करें जो थोड़ी सस्ती जगह है और यूनिवर्सिटी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और छोटा बघाड़ा। देखिए छोटा बघाड़ा में आपको रूम्स जो है, अगर आपको एक रूम में दो लोग रहेंगे आप लोग, तो उसका आपको प्राइस पड़ जाएगा 3,000। सो आपको 3,000 मंथली आपको रूम मिल जाएगा जिसमें आप दो लोग रह सकते हैं। अगर आप सिंगल ढूंढेंगे तब भी आपको लगभग 2,500 रुपये मंथली आपको रूम का मिल जाएगा, सिंगल रूम और कॉमन लैट्रिन बाथरूम। अगर हम बात करें एक और जगह की जिसका नाम है अल्लाहपुर, तो वो जो है यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, पर आपको प्राइस जो है वो लगभग सेम देखने को मिलेगा छोटा बघाड़ा से। यानी कि अल्लाहपुर में भी जो प्राइस है रूम का वो लगभग सेम है छोटा बघाड़ा से, यानी कि अगर आप सिंगल रूम में दो लोग रहते हैं तो आपको पड़ जाएगा 3,000 का, और वहीं पर अगर आप सिंगल रहना चाहें तो आपको पड़ जाएगा 2,500 का। एक और जगह है जिसका नाम है दारागंज, वो यूनिवर्सिटी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, पर आपको वहाँ पर छोटा बघाड़ा से थोड़ा और सस्ता रूम मिलने के वहाँ पर अच्छे चांसेस हैं। सो अगर हम बात करें उन बच्चों के बारे में जिनको जो नज़दीक रहेंगे यूनिवर्सिटी के, वो चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में खाना खाएं, मेस यूज़ करें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का, सो बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप बाहर रूम लेकर के यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उसका जो हॉस्टल का मेस है आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और जो वो प्राइस पड़ेगा वो लगभग वही सेम पड़ेगा और जो वहाँ के बाकी बच्चे देते हैं। सो आपको हॉस्टल्स की फैसिलिटी भले ना मिले, पर आपको हॉस्टल्स के मेस की फैसिलिटी बाहर रहकर भी मिल सकती है, और साथ ही आपको यूनिवर्सिटी के बाहर आपको टिफिन सर्विस भी अवेलेबल है कि आप टिफिन सर्विस लगा लें, यानी कि और वो जो टिफिन सर्विस का चार्ज है वो भी आपको लगभग 2,500 से 2,700 रुपये महीना पड़ेगा, जो नियरली मेस का चार्ज भी आता है। और साथ ही अगर आप कहीं पर रहते हैं तो आप उसके नियर बाई कहीं ढाबा और होटल वगैरह है तो आप वहाँ पर भी अपना खाना लगा सकते हैं, आप सुबह शाम जाकर वहाँ भी खा सकते हैं। और देखिए बाकी टेलीग्राम वगैरह पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे कि प्रयागराज अवेलेबल रूम्स का वगैरह नाम करके कई सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम वगैरह पे, आपको वहाँ पर कई सारे नंबर्स देने हैं कि इस पर कॉल करिए आपको यहाँ रूम मिल जाएगा। सो आप जेन्यूनली उन पर बिलीव नहीं कर सकते वो कितने सच हैं कितने फेक हैं, और साथ ही साथ वो कितने लोगों से बात करते हैं, यानी कि वो 10 लोगों से बात करते हैं रूम्स उनके पास 2 अवेलेबल हैं। सो आप मेरी मानिए पर्सनली अगर आप इलाहाबाद आ सकते हैं तो बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पर आइए, हो सकता है कि आपको रूम्स ज़्यादा आपके पास आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएं, आपको ऑप्शंस मिल जाएं, और वैसे उनके पास ऑप्शंस हैं, उनको 10 लोगों कॉल आते हैं तो 2 को रूम देंगे, सो उनके पास रहेगा ज़्यादा चॉइसेस रहेंगे। आप अगर चाहते हैं तो आप प्रयागराज आइए, प्रयागराज में आके आप रूम ढूंढिए। देखिए उतना डेवलप सिटी नहीं है जितना दिल्ली वगैरह है जहाँ पर आपको फ़ोन कॉल्स पर रूम मिल जाएं, यहाँ पर आपको अगर आप आएंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो रूम देते हैं और वहाँ पर उस घर में खुद भी रहते हैं, तो उनका जो नंबर है पब्लिक नहीं है कि आप उनको बिना उनके घर गए वहाँ पर रूम्स अवेलेबल है आप नहीं जान सकते। सो ये बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप उनके घर जाकर रूम पता करिए, देन फ़ोन कॉल्स पर जरूर आप एक आइडिया ले सकते हैं, पर वहाँ पर आप डन मत करिए, वहाँ फ़ोन पर पेमेंट मत कर दीजिए। देखिए पर आप ये जरूर से आप टेलीग्राम वगैरह पर आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे कि प्रयागराज रूम्स अवेलेबल ऐसे करके नाम है उनके कुछ, और वहाँ से आप जरूर से पता कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रूम लेने वाले भी रूम देने वाले भी दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपको महंगा देंगे, अगर आप यहाँ पर आके पता करके लेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाए,
और बाकी आप भी देख लेंगे कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट और कितना नजदीक है यूनिवर्सिटी के। सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल पे, आपको यहाँ पर सारी अपडेट समय से मिल जाएंगी। आई होप जो ये वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।